तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, पिछले करीब जो 6 वीडियो पे आप लोग का कमेंट है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेशनल एग्जाम की वीडियो है और साथ में जैसा कि आपको पता होगा सेशनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर की वीडियो है और साथ में कुछ आपके जो सेशनल एग्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट है उसको भी क्लियर करेंगे। तो इससे पहले आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ कि जिस एप्लीकेशन का नाम है हेलो, जो कि आप इंटरफेस देख सकते हैं बगल में, और इस एप्लीकेशन को आप यूज करके अपना पॉकेट मनी इजीली अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो है कि इस एप्लीकेशन को यूज करना बहुत ही सिंपल है और साथ में जैसे कि आपका आजकल ट्रेंड है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना सभी लोग लगाते हैं और साथ में फनी जोक्स कॉमेडी वगैरह पढ़ना, तो यहाँ पे आप इजीली ये सब कर सकते हैं। और साथ में अगर आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करते हैं और अपना रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको भी पैसे अर्न होते हैं, साथ साथ में आपको फ्रेंड को ही मिलते हैं, और जितना दिन तक आपका फ्रेंड यूज करता है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और साथ में यहाँ पे एक बता दूँ कि ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, और इसके साथ ही यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसे लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगा। आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, पेटीएम ऐड कर सकते हैं, और आपको विद इन 1 सेकेंड के अंदर आपके पेटीएम अकाउंट में या फिर आपके जो है कि बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली है। तो एक बार ट्राई कीजिए, अगर मेरा रेफरल कोड आप यूज करना चाहते होंगे तो दिख रहा है यूज कर लीजिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं जो कुछ आपके सेशनल एग्जाम के क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि क्या सेशनल एग्जाम का नंबर मेन जो एग्जाम होता है बोर्ड वाला उसमें ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि इंटरनल मार्क्स जो जाता है वो यही मार्क्स रहता है, ऐसा नहीं है कि इंटरनल मार्क्स दूसरा जाता है, यही मार्क्स जाता है इंटरनल, तो ये ऐड होता है। लेकिन हाँ, ये अलग की बात है कि जो आपके सेशनल एग्जाम लिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट यही आपके सेशनल एग्जाम में सभी कॉलेज का ऐसा रूल नहीं है, वो अपने हिसाब से एक आपके एग्ज़ाम में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, नहीं आप जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें वो लोग लिख के भेज देते हैं, जो भी आपका बोर्ड है या फिर जो भी आपका काउंसलिंग है वहाँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा है, क्या सेशनल एग्ज़ाम हिंदी में हो सकता है? फ्रेंड्स, तो देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कॉलेज क्लास टीचर के ऊपर। अगर मैं बात करूँ जो आपने मैं सेशनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर शेयर किया था जो कि झारखंड का था, तो वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का हिंदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, टोटली इंग्लिश में था। अगर आपके टीचर चाहें तो वो हिंदी में भी दे सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो है कि क्या सेशनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है? तो साथ में शायद आप पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर पा गए होंगे कि सेशनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके क्लास टीचर ही बनाते हैं। और शायद मुझे जहां तक उम्मीद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो के बीच में भी ये चीज़ बताया था कि जो ये क्वेश्चन पेपर है आपके क्लास टीचर ही बनाते हैं। इसके बाद एक जो है कि अगर हम सेशनल एग्जाम नहीं दिए तो क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ बता दूँ आपको कि अगर आप सेशनल एग्ज़ाम नहीं दिए तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके क्लास टीचर आपके कॉलेज चाहे तो मैनेज कर सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और साथ में लोगों का कहना रहता है कि अगर सेशनल एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्या होगा? तो यहाँ पर मैं पिछले भी मतलब क्वेश्चन में ये चीज़ बता चुका आप लोग, अगर आप सेशनल एग्ज़ाम दिए नहीं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगे तो यहाँ पर फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं रहता है कि आप दिए तो आप फेल हो गए। तो ये कुछ जो है कि आपके ज़्यादातर पूछे जाने वाला जो सेशनल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था वो था। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी सेशनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड किया हूँ सभी क्वेश्चन पेपर फेसबुक के पेज पे भी मिल जाएगा, और आपको अच्छे से देखना है तो शायद वीडियो में न समझ में आए तो आप फेसबुक पेज पर भी जाके देख सकते हो। और साथ में ये भी चीज़ आपको बता दूँ कि जितना भी सेशनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आप उस क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, हो सके कि उसमें से अगर एक या दो भी क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में फंस जाए तो आपका बहुत हेल्प हो सकता है, और जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही कुछ आज के वीडियो में रहा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।